योग, पंचगव्य, पंचकर्मा, नेचुरोपैथी, आयुर्वेद, ये जो भी हमारे भारतीय चिकित्सा पद्धति है, इसका लक्ष्य कभी भी नर्सिंग होम, नर्सिंग होम खोलना ना था, ना है, ना रहेगा। बाकी बड़े बड़े धनाढ्य लोग, पैसा खोर लोग, लोगों को लूटने वाले लोग, शोषण पंथा को अवलंबन करने वाले पूंजीवादी लोग, पूंजीपति लोग, इन योग, नेचुरोपैथी, पंचगव्य, एक्यूप्रेशर, सिद्ध विज्ञान इत्यादि ज्ञान को एक बड़ा बड़ा स्पा, नर्सिंग होम, नर्सिंग होम के नाम पे लोगों को लूटना और अपना दो पैसा बनाने का एक मीडिया बना। हमारा नेचुरोपैथी हो या आयुर्वेद हो या पंचगव्य हो, इसका लक्ष्य कभी भी एक हॉस्पिटल से निकल के दूसरा हॉस्पिटल में घुसना नहीं है। फर्स्ट क्लियर हो जाओ बात। एक आदमी बीमार पड़ा तो बड़े नर्सिंग होम में उल्लूपैथी वालों का टेबलेट मेडिसिन खाया, इंजेक्शन खाया, वहाँ डाकू लोग बैठा है पेट काटने के लिए, छुरी चौरा देके दिन में पेट काटेगा, डाइन लोग बैठा है खून निकालेगा, है पैसा लाओ, बिल बनाओ, बेड चार्ज, रूम चार्ज, हॉस्पिटल चार्ज, ये चार्ज, गधा चार्ज, घोड़ा चार्ज, भेड़ चार्ज, बकरा चार्ज, लूटो, लूट मचाओ, डकैती करो दिन में, दिस इज कॉल्ड लीगल ऑफिशियल डकैती, सरकारी मान्यता प्राप्त लाइसेंस धारी डकैती। कौन उसके लिए बड़े बड़े MBBS डाकुओं को रखा गया है, कोट बूट सूट में सफेद सफेद पहन के, सफेद डाकू, पहले काला डाकू पहनते थे, डाकू लोग डकैती करते थे ना, काला काला कपड़ा लगा के, बंदूक लगा के डकैती कर, छुरी। अभी वो जितने डाकू सारे अच्छा मुखा पिंधा डाकू, लाइसेंस प्राप्त, वो भी लाइसेंस प्राप्त डाकू लोग गोली पकड़ते थे, ये डाकू सफेद डाकू लोग भी गोली पकड़ते, गोली खाओ पैसे दो, नहीं खाया खा पेट काटेंगे। ठीक है, तो बाप बच्चा पैदा करना है, पेट काटो, आराम से कैसे बच्चा पैदा होगा उसका ध्यान नहीं। हाँ, तो अभी ये खाली उल्लूपैथी के साथ नहीं हुआ, हमारा नेचुरोपैथी भी नेचुरोपैथी हो गया, नेचुरोपैथी भी नेचुरोपैथी हो गया, नोच नोच के खाने वाला पथी, एक मिट्टी पिट्टी 200 रुपया, पानी में बैठाएंगे 100 रुपये, और एनिमा देंगे 100 रुपया, बिल बन गया 1000 रुपया। जैसे मैं बेवकूफ बन गया हूँ। तुम बेवकूफ फूल बने हो सुबह सुबह। ठीक है, मैं उनके साथ क्यों झगड़ा है, मेरा इसलिए झगड़ा है भाई, महात्मा गांधी गांव गांव में नेचुरोपैथी प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र खोलना चाहते थे, जैसे भारत का राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, फादर ऑफ नेचुरोपैथी इज ऑल्सो महात्मा गांधी, और इसका प्रमोशन ज़्यादातर कैसे हो तो विनोबा भावे हुए, हमारे पूज्य गुरुदेव राम शर्मा आचार्य हुए, इस प्रकार के लोग इसके ऊपर काम किए, लेकिन क्योंकि पैसा बनाने वाला जो इतने सारे पूंजीपति हैं, इसको फिर एक अलग रूप दे दिया और लूटो भाई, क्यों करेगा पंचकर्म, क्यों करेगा नेचुरोपैथी का दशकर्मा, क्यों करेगा मिट्टी पट्टी, क्यों लगाएगा एनिमा, क्यों लगाएगा सिरधारा, क्यों करेगा, क्या करना है, शरीर शुद्धिकरण करना है। शरीर पे मैला क्यों हुआ, शरीर पे मैला कहाँ से आया, कौन बोला था शरीर में मैला जनरेट करने के लिए, कहाँ से आया मल, क्यों आया मल, क्या करने से नहीं आएगा, दिस इज नेचुरोपैथी। नेचुरोपैथी इज नॉट दैट कि खाया तुम समोसा, सिंगड़ा, आलू चौप, बड़ा हॉटडॉग, बर्गर, पिज्जा, चाउमीन, मिठाई, चाय समेत दूर रखो बीड़ी सिगरेट, और बोलेगा सारे निमा दो पैंट खोलते हैं। पैंट खोल के दिखाओ एनिमा ठोकना है, मट्टी पट्टी देना है, अरे
मिट्टी पट्टी उनको दो जो लोग शहरों में रहते हैं, एसी में रहते हैं, मार्बल मोजाइक इंटीरियर डेकोरेशन, प्लास्टिक का, फाइबर का इंटीरियर डेकोरेशन में सारा आर्टिफिशियल चीज लगा के रखे हैं। अप्राकृतिक जिसका जीवन है उसको मट्टी पट्टी दो, उसको पानी पट्टी दो। एक मलकानगिरी से शुद्ध जल शुद्ध हवा जंगल के अंदर आया हुआ आदमी उसको बोलेगा शहर का कचरा कचरा मट्टी पट्टी देंगे 500 रुपया लेके। वो तो सही बात है। तो तुम भगवान नहीं बना करो ना। वहां भी मलकानगिरी में शुद्ध कहां अभी रहा है, जंगल के अंदर मिट्टी है ना। हाँ, यहाँ तो आसपास जंगल भी नहीं है। टाउल स्टील प्लांट का आसपास जहां भी देखोगे हर जगह में जितने सारे केमिकल डस्ट गिरते हैं, तुम उस मिट्टी पट्टी को लेगा। मैं मिट्टी पट्टी लूंगा बोल के 100 किलोमीटर दूर जंगल के अंदर गुरुकुल खोल के बैठा हूँ। जैसे 100 किलोमीटर अवे फ्रॉम दिस की वहाँ तक पॉल्यूशन नहीं पहुँच पाए, पूरे जंगल हो जहाँ पर जिस मिट्टी में एक बूंदा भी यूरिया फॉस्फेट ग्रोमर नाइट्रेट टी20 डीडीटी गामैक्सिन थीमेट जहर नहीं पड़ा हो, शहरीकरण का धूल केमिकल डस्ट प्लांट का बैटरी का चिमनी का डस्ट नहीं गिरा हो, ऐसा शुद्ध मिट्टी लेके वहाँ जाके मैं मिट्टी। देखो मेरा यूट्यूब चैनल देखो, स्वास्थ्य गुरुकुल दो चैनल है, एक उड़िया चैनल है एक हिंदी चैनल है, ठीक है। संजय कैपिटल जी 75 लिखोगे उसमें मेरा 25 चैनल निकलेगा, 25 यूट्यूब चैनल्स हैं अलग अलग सब्जेक्ट पे, योग नेचुरोपैथी पंचगव्य कराटे मार्शल आर्ट ये एक्यूप्रेशर देन वास्तु एस्ट्रोलॉजी, ये एस्ट्रोलॉजी का 3 चैनल है, उड़िया है, इंग्लिश है, हिंदी है। तो आई हैव 25 चैनल है, ठीक है। और 2 चैनल सीक्रेट है, वो अलग गुप्त रोग और सेक्स डिजीज के बारे में उसमें है, वो रेयर आदमी को देता हूँ, सबको उसका सब्सक्रिप्शन नहीं देता क्योंकि जिसको प्रॉब्लम है उसको देना है, उसको एक नेगेटिव मतलब नेगेटिव क्या कहें, वो थोड़ा सा सामाजिक शब्द नहीं है उसमें, असामाजिक। जो लोग आज परेशान हैं ये गुप्त रोग के चक्कर में पड़ते हैं, दवाई वही खाते हैं एंड दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद देयर सेक्सुअल लाइफ एंड फैमिली लाइफ, उनके लिए वो है। ऐसा करके 27 ऑफिशियली 25 चैनल 2 सीक्रेट चैनल, तो उसमें हम लोग लेके आदमी को फ्री में मट्टी में गाड़ के मिट्टी पट्टी देते हैं। तुम 500 रुपया देकर मिट्टी पट्टी लेके आया तो तुमसे बड़ा भगवान कौन है। अरे सिर धारा देना है, ऊपर बोतल डालो, नीचे पानी गिरेगा, तेल गिरेगा, सर में गिरेगा, और क्या सिर धारा। मैं समझ में आ रहा है, नहीं समझ में तो आ रहा है मगर जीवन में कभी नहीं किया। हाँ ये बात है, हाँ कभी नहीं किया, इसलिए फिर नेचुरोपैथी में नचवा के आओगे ठकवा के आओगे। तो बाप ऐसा है, हमारा लक्ष्य है 500 रुपया तो अभी दिया, फिर 400 रुपया देना और देना है। तो ऐसा है ना, मैं जब गांव में शिविर करता हूँ, अभी तो कोरोना के लिए बंद था, तो गांव में जितने लोग आते हैं ना सबको गड्ढा खोद के मिट्टी में गाड़ देता हूँ, गर्दन बाहर रहेगा, पूरा शरीर मिट्टी पट्टी हो गया, तुम इतना मिट्टी लेगा पेट में रखेगा। ठीक है, कटी स्नान देना है भाई, कमर पानी में बैठ जाओ, कटी स्नान हो गया। देखो मैं कटी स्नान का पट लेके आऊँ फ्री में करो, कड़ी स्नान देना, मेरुदंड स्नान देना है मेरुदंड स्नान देना, साथ में गोमूत्र डाल दिया तो पंचगव्य का भी हो गया। तो ये जितने सारे लूटबाजी चल रहा है ना, मैं इसका घोर विरोध, मैं कहता हूँ भाई देश में स्वास्थ्य का अधिकार सबको है, और देश में स्वास्थ्य फ्री, शिक्षा फ्री और कर्मकांड फ्री, अगर ये तीनों सबसे आज मार्केट हो गया, इसी तीनों से तो लूट रहे हैं देश को, इस तीन से लूटा जा रहा है। फिर हम भी वही एक सेंटर खोलेंगे जहां पर लोग आएंगे और ऐसे ही हम लोग लूटेंगे। मैं इसलिए बंद कर दिया, 18-19 साल में भी चलाया नेचुरोपैथी, लेकिन ऐसा एक गुरु मिले बोला तुम एक्स्ट्रा क्या कर रहे हो, डोंट डू दिस। तो मेरा स्टीम चैम्बर को भांग के तोड़ के फेंक दिया। यस ट्रू, गांव गांव चलना है, लोगों को स्वास्थ्य देना है, पूर्ण स्वास्थ्य भारत अभियान बनाना है, ना कि मैं फिर एक नर्सिंग होम खोल दूं। खोलना जरूरी है नो डाउट, लेकिन वो दूसरे को लूटने के लिए नहीं, दूसरे को स्वास्थ्य देने के लिए। हमारा एक ही मकसद था, है और रहेगा, रोगी बन के आओ, डॉक्टर बन के जाओ, डॉक्टर बनाओ। अगर राष्ट्र धर्म मुख्य है तो देश का हर व्यक्ति नागरिक डॉक्टर बनना चाहिए, और हमारे देश में थे
मेरा दादी नानी जो लोग कभी स्कूल देखे नहीं थे, ठेपा भी देने नहीं जानते हैं, तो वोट देने के टाइम में ऐसा करके ऐसा देता है, वो वोटर मैन ना ऐसा उंगली पकड़ता है और ऐसा ठेपा देते हैं, सिखाता है। तो ठेपा नहीं देने वाला, ठेपा देने व नहीं देने वाला जानने वाला औरत 100 साल का उम्र में आप कोई भी बीमारी का नाम बोलो वो 25 मेडिसिन दे देगी। आप खुद ही वैद्यराज थी। वैद्य लोग भी एक समय में मेरे दादी के पास आते थे कि ये बीमारी है क्या करेंगे, तो मेरा दादी बोलेगा बैठो मैं आंखने आंख में दिखाऊं, आप आसूटी बासूटी खुबड़ा लंडी ठीक, 3 फूक मारा बीमारी ठीक। हमारे देश का ये औकात है, था। आज बच्चा का कुछ बीमारी हुआ तो चलो उल्लूपाथियों के पास, क्लिनिक के पास नुचवा के आओ, 3 फूक मारा और बीमारी गायब। तो वद्या वो लुप्त हो गया ना, ये तो दुख की कारण है, यही है ना। तो हमारी माँ जी को पूछो तो सब्जी भी ठीक बना लेती है, मगर वो ठीक ढंग से मालूम नहीं है। अगर हिंग के बारे में बता तो उसका गुणवत्ता क्या है वो नहीं जानती है। तो उसकी माता जी को मालूम था, उसके माता जी को मालूम था, धीरे धीरे लुप्त हो लुप्त हो रहा है। तो ये काम करना है ना, ठीक है, कि वो हमारे हर व्यक्ति कैसे डॉक्टर बने और हर व्यक्ति कैसे स्वास्थ्यवान बने, किस लेवल पे बने, इसको ध्यान देना। तो इसके लिए आवश्यकता है शिक्षा व्यवस्था, एजुकेशन, स्वास्थ्य गुरुकुल जरूरी है, एकदम जरूरी है।